When I have written read text A, I mean to say कि टेक्स्ट ए की पहली लाइन से लेके उस मार्जिन के अंदर जो उसकी आखिरी लाइन है उसको पढ़ने है। उसको पढ़ने का मतलब है कि वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन सारा कुछ पढ़ना आप थरली कह सकते हैं उसको, बट जरा स्पीड में आपने पढ़ना होता है। जब आपने पढ़ लिया, आपने वहां से सीधा जाने क्वेश्चंस के ऊपर, मैचिंग वाले क्वेश्चंस को छोड़ देने। उसके अलावा आपके दो और टाइप्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और फिलिंग द ब्लैंक्स, उनको आपने सॉल्व करना। जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको पढ़ना है, और जितने क्वेश्चंस टेक्स्ट ए में फॉल कर रहे हैं उनका आंसर आप लगाते हो। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस तो टेक्स्ट ए में नहीं होंगे, उसमें से दो चार ही होंगे, जितने आते हैं सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर कुछ रिमेनिंग बच जाएंगे। अब आपके यही स्टेप रेपिटेशन में चलने वाले हैं हम यहां पे, मगर फिर भी स्टेप थ्री लिख लेते हैं। स्टेप थ्री आपका क्या होगा? रीड टेक्स्ट बी, रीड टेक्स्ट बी अगेन कंप्लीट। आप जब इस टेक्निक पे या टेस्ट में इस पे काम करना शुरू करेंगे, तो आपके जो पहले दो स्टेप है, स्टेप वन एंड स्टेप टू, स्टेप वन तो शायद नहीं मगर स्टेप टू इज गोना टेक टाइम, क्योंकि आपने सिर्फ टेक्स्ट ए पढ़ा है और सारे क्वेश्चंस को आपने रीड करना, क्योंकि अभी तो सॉल्व कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं पता कि ए में कितने क्वेश्चंस और कहाँ पे सॉल्व कर उसमें फॉल करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में नहीं आते हुए। जब आप ये कर लेंगे, जब आप स्टेप थ्री पे जाएंगे, तो अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक तो ये है कि आपने ऑलरेडी एक बार उनको पढ़ा होगा, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, प्लस अब की बार क्वेश्चंस कम होंगे, पहले अगर 13 थे तो अब वो 10 या 9 होंगे। जब आप इससे आगे जाएंगे तो वो और कम होंगे, और जब आप आखिरी टेक्स्ट पे जाएंगे तो वो बिल्कुल ही कम होंगे। एक्चुअली ये टेक्निक शुरू में स्लो है, मगर जैसे ही प्रोग्रेस करती है फास्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, बिकॉज आप माइनस करते जा रहे हैं क्वेश्चंस। यहां तक ओके? अब आपके जेहन में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि यार ये जो स्टेप है ना, इसमें मैं सारे क्वेश्चंस क्यों पढूं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या ख्याल आया जेहन में? ठीक है, अगर नहीं आया तो अब आगे कि यार मैं ये पढ़ूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा हमें। नाउ एक्चुअली आपको चाहिए उस 15 मिनट की प्रॉपर डिवीजन। अगर आप उसकी 15 मिनट की डिवीजन आती तो फिर ये टेक्निक आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगी, कि आपने एक एक सेकंड बचाने। अब बेसिकली इस टेक्निक का जो क्रक्स है वो ये है कि जब मैंने ये टेक्स्ट ए पढ़ लिया सारा, क्योंकि मैंने कहा जी सारा पढ़े, नाउ आई एम रीडिंग दिस कंप्लीट टेक्स्ट ए ऊपर वाली लाइन से लेकर नीचे तक, मेरा टारगेट ही होना चाहिए कि अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेस्ट मुझे टेक्स्ट ए दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसी तरह जब आप टेक्स्ट बी पढ़ के आगे चले जाते हैं, अब आपको पता है मैंने ये दोबारा नहीं पढ़ना, दैट्स डन। इस पे जितना कंटेंट सेट था वो मैंने सारा का सारा सॉल्व कर लिया। बेसिक टेक्निक का क्रक्स ही ऐसे ही है। अच्छा जी, आपके जो 15 मिनट हैं, जैसे ही आप बुकलेट ओपन करेंगे, पहले 1 मिनट के अंदर अंदर एक एक्टिविटी वो जो आपने करनी है, अगर वो एक्टिविटी आप कर लेते हैं तो आपके बाकी के 14 या 14.5 मिनट सेव हो जाएंगे। आई बिलीव वो एक्टिविटी विद इन या लेस देन 1 मिनट होनी चाहिए, वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपने टारगेट सेट करना है प्रैक्टिस के अंदर, कि जो मैं अभी बताने लगा हूँ वो 1 मिनट से कम के अंदर होना चाहिए हर हाल में, 30, 40 मैक्सिमम 50 सेकेंड्स। कोशिश करें बस 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाए, उससे ऊपर ना जाए, ठीक है, फिर आप अगले 14 मिनट को ज्यादा फ्रूटफुल कर सकते हैं। अभी हमने फॉर्मेट की जो बात की, मैंने तीन चीजें बताई हैं, टॉपिक, कंटेंट, प्रेजेंटेशन। जैसे आप बुकलेट ओपन करते हैं तो टॉपिक जो है वो हमेशा सबसे टॉप पे लिखा होता है। जैसे यहां पे लिखा द यूज ऑफ फीडिंग ट्यूब्स इन पीडियाट्रिक्स, ये अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, कभी कभी तो 1 वर्ड का टॉपिक आता है। ले जी ये स्टेटमेंट पढ़ने के लिए, द यूज ऑफ फीडिंग ट्यूब्स इन पीडियाट्रिक्स, कितने मिनट चाहिए आपको? अगर आप अपने आप को तैयार करके गए ना, प्रैक्टिस में है ये, तो पेज खोलेंगे तो आपने पढ़ लेना। मेरा ख्याल है जस्ट 2 सेकेंड्स में भी बहुत हो गए, शायद 3 सेकेंड्स। कोई ऐसा वर्ड आ जाता है शायद, क्योंकि मेडिकली प्रोनाउंसिएशंस आर क्वाइट डिफिकल्ट, मे बी और अनएबल टू प्रोनाउंस इट और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, सो मे बी इट्स गोना टेक अ कपल ऑफ मोर सेकेंड्स। अदरवाइज आई थिंक इट्स
इट शुडेंट बी टेकिंग लाइक मोर देन 2 to 3 seconds. चले 5 seconds भी दिए आप, 5 सेकंड ले लें पढ़ने के लिए, पढ़ा जाएगा. एग्री है? ठीक हो गया. पेपर की जो प्रेजेंटेशन है, जो हमने तीसरा बुलेट अभी देखा था, उसमें हमने बात की थी कि टेक्स्ट, टेबल, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये सारी चीजें आती हैं. ये जज करने के लिए कि क्या प्रेजेंटेशन है, ये कितने सेकंड चाहिए आपको. अभी पेज सामने आपको खुला हुआ है, अगर मैं बिल्कुल एकदम आपके सामने पेज रखूं तो ये जज करने में कितनी देर लगेगी कि इसमें लाइन ग्राफ है कि नहीं है. शायद 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा है. आप खोलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, सिर्फ एक चाहिए, वो तो नजर आ रहा है टेक्स्ट लिखा ना, इसमें टेबल है ना, इसमें लाइन ग्राफ है ना, बार ग्राफ है, कुछ भी नहीं है. क्योंकि आप आपके सामने 2 पेज खुलते हैं, दूसरा पेज देखें, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक टेक्स्ट और एक फ्लो चार्ट है. ठीक है, अब जिनको नहीं पता फ्लो चार्ट का, लेट्स सपोज उनको हम बता देने कि फ्लो चार्ट होता है क्या. फ्लो चार्ट होता है जिसमें आपका फ्लो प्रेजेंट होता है. फ्लो का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो नजर आ रहा था उसमें कहाँ पे जा रही है. तो हमने टाइटल पढ़ने के लिए 5 सेकंड लगा लिए, और सिर्फ प्रेजेंटेशन को डिटर्मिन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए 2 सेकंड लगा लिए. चले 5 सेकंड दे दिए, 10 सेकंड, ये दो काम तो सिर्फ 10 सेकंड में आपने कर लिए. तो अभी मैंने आपको 2 चीजें क्लियर की हैं, टॉपिक और प्रेजेंटेशन. ये तो कह लें कि सिर्फ 10 सेकंड की बात, और ये अभी हमने मैक्सिमम टाइम दिया है, हमें पता है इससे भी कम नहीं हो सकता. ठीक है, अब बात आ गई वो जो सेंटर वाला पोर्शन है, कॉन्टेंट. कॉन्टेंट में 5 चीजें आनी है मैक्सिमम, वो मुझे पता है, उसके बाहर नहीं जाएंगे. मैंने बस आइडेंटिफाई करना है कि वो 5 चीजें कहाँ पे. और मजे की बात है उसमें से एक चीज तो मुझे पहले ही पता है कि ए में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है. अगर मुझे टॉपिक पता है तो टॉपिक की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ए में है. मैंने सिर्फ 3 चीजों को आइडेंटिफाई करना है. अब आप कैसे अंदाजा लगाते हैं मैंने क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. अभी मैं सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, हमने भी टेक्स्ट को रीड करना शुरू नहीं किया, टेक्निक एक्चुअल स्टार्ट नहीं हुई है. टेक्निक स्टार्ट करने से पहले एग्जाम में जो पहला मिनट है उसके अंदर क्या करना है आपने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. सो 10 सेकंड्स चले गए मेरे पास है, अब 50 सेकंड्स ऑन द क्लॉक. आप जब टेक्स्ट ए देखते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है, इट्स ऑल मार्जिन, हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है. अब आप ये देखिए यार, इसमें हेडर्स कहाँ लगे हैं. जो एक इकलौती स्टेटमेंट लवारसों की तरह घूमती हुई नजर आएगी वही हेडर होता है. दिस इज द पैराग्राफ, ये 3-4 लाइन्स, उसके ऊपर एक ये स्टेटमेंट है जो कि इंडिपेंडेंट है. इट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज द हेडर ऑफ दिस पैराग्राफ. इसमें लिखा हुआ है पीडियाट्रिक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्यूल्स, टॉपिक ही यही है, इसका लेकर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आने वाली. अब यहां पर लगे हुए बुलेट्स, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ना तो ऊपर के पैराग्राफ के साथ अटैच्ड है और ना इसको बुलेट लगा हुआ है. इसका मतलब है कि ये इन बुलेट्स का हेडर है. और इसमें क्या लिखा हुआ है, इश्यूज एसोसिएटेड विद पीडियाट्रिक नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब. आगे एक पंक्चुएशन भी लगी हुई है, कोलन, 100% है कि लिस्ट है नीचे, ये उनका हेडर है. जैसे आप हेडर देते थे नीचे उसके पैराग्राफ लिखते थे, इससे ज्यादा आपने पैराग्राफ को नहीं पढ़ना. अब मुझे पता है कि मेरे टेक्स्ट ए में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है, मगर उसमें 2 ही बातें लिखी हैं, जनरल यूज ऑफ ट्यूब एंड जनरल इश्यूज ऑफ द ट्यूब. मगर ये सारे पीट से रिलेटेड है क्योंकि बच्चों की बात हम कर रहे हैं, ये एडल्ट्स पे नहीं जाएगा. गुड हो गया. अब बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है, मगर बेसिक इन्फॉर्मेशन में भी क्या दिया वो हमें पता लग गया. अब ये 2 स्टेटमेंट पढ़ने में कितनी देर लगेगी, चले 10 सेकंड और ला लेंगे, 20 सेकंड्स हो गए टोटल. ठीक है, मगर कौन सी स्टेटमेंट पढ़नी है ये आइडेंटिफाई करना आपको अभी आना चाहिए. मीन्स यही आप सीख रहे हैं कि मैं पैराग्राफ को देख के बता दूं कि मैंने बस कौन सी 2 लाइनें पढ़नी है, वो नजर आएगा आपको. आई थिंक अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि कौन सी 2 स्टेटमेंट पढ़नी है, बाकी तो मैंने पढ़नी नहीं. यू विल स्ट्रेट वे गो टू दैट लाइन, यू विल, ये एक लाइन अकेली नजर आ रही है. ठीक है, इसको नंबर लगा हुआ, ये अकेला नजर आ रहा है क्योंकि आगे इसके नीचे सब हेडर्स हैं. ठीक है, और ये अगेन अकेली एक लाइन है, ना ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ अटैच है ना नीचे बुलेट लगा हुआ है इसको, सेपरेट लाइन. गुड, इट मींस इस पूरे टेक्स्ट में मैंने सिर्फ ये 4 चीजें पढ़नी है, इसके अलावा मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. मुझे ये पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि इसमें लिखा क्या होगा. आगे चलते हैं आप सी पे. अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहां पे मुझे जो ये एस्पिरेट है ना, ये नजर आ रहा है बार बार, और उसने एक्चुअली इसको बोल्ड किया होगा. ठीक है, अब फ्लो चार्ट का मतलब होता है कंडीशन चार्ट. आप कोई स्टेप लेने से पहले इस कंडीशन को देखते हैं, उस कंडीशन के मुताबिक आप डिसाइड करते हैं कि ये करना है या मैंने वो करना है.
बेसिकली इसमें यस नो आप डिसाइड कर रहे होते हैं, जो कि मेरा ख्याल आप डेली बेस पे पेशेंट के कंडीशंस के ऊपर बेस करके करते हैं। सो इट मीन्स अगर तो पेशेंट एस्पिरेट कर रहा है प्रॉपर, तो फिर मैंने आगे क्या करना है, मैंने आगे इसके पीएच चेक करने, फिर आगे इसको फीड करवाना है। और अगर वो एस्पिरेट नहीं कर रहा तो फिर मैंने क्या करना है, पहली लाइन पढ़ लें, एडमिनिस्ट्रिंग फीड्स फ्लूइड विया फीडिंग ट्यूब। अब एक्चुअली इसमें ये लिखा है कि क्या फीड करवा सकते हैं, किस तरह फीड करवाना है, उसके बारे में डिटेल्स हो। अब आपने आज आके कोई सिर्फ 10-12 जुमले पढ़ने, मेरा ख्याल है 1 मिनट के अंदर सारा कुछ हो सकता है। सो फर्स्ट मिनट, चाहे आप स्किम स्कैन करें, चाहे आप रीडिंग टेक्निक करें, उसमें भी यही मेथड यूज होगा। आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट, ये दोनों टेक्निक्स का यूनिफॉर्म स्टेप है। अब टेक्निक वाले स्टेप्स पे आ जाते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि टेक्स्ट पूरा पढ़े, आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने यहां से पढ़ना शुरू किया, अब यहां तक आ गए, यू हैव रेड एवरीथिंग। जब आपने सारा कुछ पढ़ लिया, अब दूसरा मैंने स्टेप आपको बताया था कि आपने जाना है क्वेश्चंस पे। लो जी, अब आप आ जाएं क्वेश्चंस के ऊपर सीधा। पहले आपके आते हैं मैचिंग, मैचिंग वालों को छोड़ दें, इसको हम हमेशा एंड पे करते हैं, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। ये आ गया आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा है कि आंसर वन वर्ड में भी आप दे सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लंबी लंबी स्टेटमेंट्स लिखने का, आपने सिर्फ मेन बात लिखनी है, दैट्स इट, वो इसका आंसर, ठीक है। तो आप कह लें कि है तो शॉर्ट क्वेश्चन, मगर इसको ट्वीट फिलिंग द ब्लैंक वाला देना आपने, जिसमें हम वन वर्ड या टू वर्ड ही पुट करते हैं। अब मैं आने लगा उस वाली बात पे जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मे बी यू आर थिंकिंग इट्स बिट टाइम वेस्टिंग बिकॉज आई एम रीडिंग सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन ए एंड एट द सेम टाइम आई एम लाइक स्पेंडिंग मोर टाइम रीडिंग द क्वेश्चंस, so it's hurting my time, agree but disagree at the same time, ठीक। अब हमने टेक्स्ट आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने उसको ओरली जेन में रखना है। ए में बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसमें इश्यूज है और जनरल यूज है, बी में इंसर्शन मेथड है और टाइप्स एंड ट्यूब की, सी में एस्पिरेशन मेथड है और डी में फीडिंग मेथड है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा पूरा टेस्ट आज प्रोसीजर भी आया, प्रोसीजर ही हमारे पास चल। I am going to read the question. What type of tube should you use for patients who need nasogastric feeding for an extended period? Type of tubes कहाँ पढ़ेंगे? अब मैंने तो टेक्स्ट ए पढ़ा है, मैंने सवाल पढ़ा, मुझे पता है कि जो मैंने ए में पढ़ा उसका आंसर इसमें नहीं होना चाहिए, आप बस यहाँ पे बी लिख के आगे चले जाए, क्योंकि जब आप दोबारा आएंगे टेक्स्ट बी पढ़ के, आपको पता है कि बी वाले क्वेश्चन कौन से हैं, आपको आगे दोबारा से सारे क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। Why read? पहली दफा में जब पढ़ रहे हैं तो आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे आप, क्योंकि आप टेक्स्ट की तो आइडेंटिफिकेशन करके आए हैं। अगला सवाल, What should you apply to a feeding tube to make it easier to insert? कहाँ पे आएगा? C में aspiration method. Insert कर रहे हैं बी। बी का सबसे पहला हेडर था कि हाउ टू इंसर्ट, फिर बुलेट्स के ऊपर हेडर पड़ा था वॉश एंड ड्राई हैंड्स एंड पुट ऑल द इक्विपमेंट ऑन द ट्रे, बी में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड यू यूज टू कीप द ट्यूब इन प्लेस टेम्परेरीली? जब ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो उसको सिक्योर भी तो उसी वक्त ही करेंगे ना, ये इंसर्शन मेथड की टेक्निक है। जब तक एस्पिरेशन और फीडिंग की बात नहीं आ रही बी है, और अगर कोई जनरल बात आएगी तो ए में जाएगा, या इश्यूज आएंगे तो ए में जाएगा। अब आप सवाल पढ़ते जा रहे हैं, आप एक्चुअली ढूंढ रहे हैं कि ए में कौन सा फॉल कर रहा है, मगर पढ़ रहे हैं तो इशारा लगाते जाएं बस। अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे टेक्स्ट बी पढ़ के, आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको पता कहाँ पे जाना है, यू स्ट्रेट अवे गो एंड यू विल फाइंड आंसर। फिर भी इसको कंप्लीट करते हैं। 11, व्हाट इक्विपमेंट शुड यू यूज इनिशियली टू एस्पिरेट अ फीडिंग ट्यूब इफ इनिशियल एस्पिरेशन ऑफ द फीडिंग ट्यूब इज अनसक्सेसफुल? मेरा ख्याल आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आसान है कि मुश्किल है? अब आप उस 14 मिनट में आ गए होंगे, अब आप पढ़ रहे हैं, मगर यू आर ऑलरेडी नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर डूइंग एक्टिविटी जो कि आपकी सेकंड थर्ड स्टेप के अंदर स्पीड को और तेज कर देगा। अभी हमने क्या बात की थी, पहला दूसरा स्टेप थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट एक्चुअली स्टेप 3-4 जब रिपीट में आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली पेस में आ जाएगा, फिर आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। अब बस आप क्लॉक को मैनेज करें और उसके बाद उसको चलते जाए। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स, आपके रह जाएंगे मैचिंग के क्वेश्चन। अब आपने अपने लिए रूल ये सेट करना है कि मैचिंग के क्वेश्चंस करने के लिए
आपने दोबारा इस टेक्स्ट ए बी सी डी को दोबारा नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा टारगेट है कि मैंने एक ही दफा पढ़ना है इसको। जब इसको थोरली पढ़ लेंगे तो मैचिंग में सिर्फ आपने ये बताना होता है कि ये स्टेटमेंट किस पैराग्राफ में है, वो तो सिर्फ आपने ए और बी और सी और डी लगाना है, उसके लिए टेक्स्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी नो कि इन्फॉर्मेशन कहाँ फॉल करेगी।